दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे आपने पोल टॉक पर देखा था और लगभग 4 लाख उसके व्यूज आए थे। वो खबर ये है कि जुलाई 2021 का महीना था और उसी समय में एक खबर आती है कि उन्नाव की सीओ कृपा शंकर लापता हो गए हैं, उनके साथ कोई अनहोनी हो गई है। उनकी पत्नी ने एसपी को फोन करके ये बात कही। एसपी साहब ने आनंद फानन में सीओ की जानकारी के लिए सर्विलांस टीम को लगा दिया। सर्विलांस टीम ने लगातार काम किया और बहुत जल्द पता चल गया कि कानपुर किसी होटल में कृपा शंकर पाए गए। उनके साथ एक उनके ही सीओ रेंज की एक लड़की जो सिपाही थी वो पाई गई। अब बवाल होना शुरू हो गया वहीं से। उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। लगभग अब जुलाई आने वाला है, 1 साल होने वाला है, सरकार दोबारा दूसरी सरकार रिपीट हुई है, योगी की दूसरी बार आई है। जांच इसकी चल रही थी, लगभग साल भर होने वाला है, कृपा शंकर की कोई अपडेट नहीं थी। लेकिन 10 तारीख को एक अपडेट आई है कि उन्हें सीओ से डिमोट करके इंस्पेक्टर बना दिया गया है। आदित्यनाथ योगी का एक काम करने का तरीका है, अपराधियों माफियाओं तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर चलवाया उन्होंने और अब इस सीओ के ऊपर उन्होंने एक तरह से बुलडोजर चला दिया है। कहा जा रहा है कि आचरणहीनता में इन्हें इस तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। कृपा शंकर जैसे तमाम ऐसे सीओ, आपको याद होगा कि ऐसे ही एक सैनी थे राजस्थान के, उनकी नौकरी बर्खास्त की गई, उनको ख़त्म किया गया, उनकी कहानी गई, उन्होंने एक सिपाही महिला के साथ सर्च किया था। तमाम ऐसी खबरें आती रहती हैं बीच बीच समय समय में कि कोई सीओ, कोई एसपी, कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर अपने सहयोगी के साथ इस तरह से उस तरह से करता रहता है। योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सरकार ने आचरणहीनता को सही माना, क्योंकि लगातार मैंने देखा इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग शिकायत करते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि वो पुलिस में होते हैं। पुलिस में होते हुए अगर उन पर कार्रवाई हुई है, कुछ लोग कह रहे थे उनको कि होमगार्ड बना देना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे थे कि उनको फिर से सिपाही बना देना चाहिए, क्योंकि कृपा शंकर जो है वो गोरखपुर के रहने वाले हैं और सिपाही से ही वो प्रमोट होकर के सीओ बने थे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनको सिपाही बना देना चाहिए, बहुत लोग कह रहे थे उनको फिर से होमगार्ड बना देना, कुछ लोग का ये भी कहना था कि उनकी नौकरी ही खत्म कर देनी चाहिए थी। डिमोट किया गया है, लोगों के प्रमोशन की खबरें आती हैं, यहाँ डिमोशन की खबर है। और ये बाबा का बुलडोजर कह लीजिए, काम करने का तरीका उनका इस तरीके का है कि उन्होंने आचरणहीनता को प्रमुखता से लिया और उन्हें निलंबित कर दिया। और निलंबित करने के बाद जब जांच होकर के रिपोर्ट पहुंची तो सीएम के निर्देश पर, खबरों में लिखा है सीएम के निर्देश पर कृपा शंकर को फिर से इंस्पेक्टर बना दिया। ये खबर कहीं आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये खबर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इसमें उस तरह का कोई मसाला नहीं है। क्योंकि हमने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हमारे यहाँ 4 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा था, उन्हें पसंद आया था, उनको अच्छा लगा था कि किस तरह के मुद्दे को उठाया जाता है, इस तरह की बातों को भी सामने लाया जाता है। पुलिस के खिलाफ लोग बोलने से डरते हैं कई बार, लेकिन उसमें मसला ये था कि उनकी पत्नी ने ही परस्यू किया था और इस मामले को लेकर के सामने आई थी। तो कृपा शंकर पर कोई कृपा नहीं, बुलडोजर चल गया है बाबा का और इन्हें फिर से डिमोशन करके इंस्पेक्टर बना दिया गया है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक सीओ की। सीओ साहब एएसपी बनने का सपना देख रहे होंगे लेकिन फिर से इंस्पेक्टर बन गए हैं और शायद प्रमोशन भी हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये स्टोरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत समझना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी थी जो आप जानते तो समझते और फिर समझ करके खेलों का पूरा आंकड़ा समझ पाते। आप देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।